वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, कढ़ी। आइए हम सीखते हैं कढ़ी कैसे बनाते हैं। काफ़ी टफ होती है ये रेसिपी, बट फिर भी मैंने काफ़ी इजी और सिंपल तरीका लाया है। जिनको नहीं भी बनाने आता है कुछ भी, वो भी ये कढ़ी बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, लस्सी चाहिए होगी। लस्सी को खट्टा बनाने का तरीका ये है कि लस्सी में नमक डाल के उसे 4-5 घंटे तक रख दें अलग से। तो ये आपकी लस्सी है। आपको चाहिए होगा बेसन, और आपको चाहिए होगी राई, हल्दी, लाल मिर्च, नमक मसालों में। और वेजिटेबल्स में आपको चाहिए होगी कटी हुई प्याज, प्याज लंबे आकार में काटनी है, कटे हुए आलू, गोभी, गाजर, मटर, और आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। बाकी आपको तड़का लगाने के लिए चाहिए होगी लहसुन, अदरक, कटी हुई मिर्ची, और आपको रिफाइंड चाहिए होगा। टमाटर का यूज कर सकते हैं आप, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपकी विश है। कढ़ी में वैसे बहुत कम आपने सुना होगा कि वेजिटेबल्स और टमाटर यूज होते हों, लेकिन जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वेजिटेबल कढ़ी से कहा जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में पकौड़ा कढ़ी या बूंदी की कढ़ी बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन आजकल वेजिटेबल्स के यूज से भी वेजिटेबल कढ़ी बनाई जा रही है और ये काफी स्वादिष्ट होती है। तो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लस्सी ले लेनी है। इसमें आपने नमक, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप नमक डाल के इसे रख सकते हैं, हल्दी, और आपने इसमें बेसन मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से घोल लें, अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको बेसन। आप इसमें रेड मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, और आपने इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। चाहे तो आप दो बर्तनों की यूज भी कर सकते हैं और फेंट कर भी आप घोल सकते हैं। मैं ऐसे ही घोल रही हूँ। 5 से 10 मिनट इसे घोलने में लगेंगे। अभी बिल्कुल आपका फेंट चुका है। आप जितनी पतली कढ़ी बनाना चाहते हैं उतना आप वाटर ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, तेल गर्म होने को रख देना है। मैं इसमें बड़ा वाला अपना पैन यूज कर रही हूँ। अब हम सबसे पहले इसमें रई और लाल मिर्च की साबुत मिर्ची डालेंगे। ये रई मैंने डाल दी और ये मैंने साबुत मिर्चियाँ डाल दी। साबुत मिर्ची का कढ़ी में बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपने इसमें लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल लेनी है। ब्राउन होने तक इन्हें पकाएं। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसमें ऑनियन डाल लेंगे आप। ऑनियन को आपको बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन करना पड़ेगा, ध्यान दें। आप इन्हें डार्क ब्राउन होने दें 5 मिनट। अब देखिए आपके प्याज पक चुके हैं। कढ़ी के लिए आपको इस तरह से पूरे पके हुए करने पड़ते हैं प्याज। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे, आलू, गोभी और गाजर। इस तरह से टमाटर और मटर, आप इसमें क्या करें, हल्की सी नमक डाल लें ताकि ये जल्दी पक जाए। स्वाद अनुसार भी डाल लें, क्योंकि ध्यान रहे आपने वो आपने बेसन और लस्सी मिक्स की है उसमें भी नमक डाली हुई है। अब आपने इसमें क्या करना है, आपकी
वो आपने जो बैटर तैयार किया है इसे हमने इसमें डाल देना है इस तरह से। मिक्स इट वेल। जितनी गाढ़ी आपको कड़ी चाहिए उतना ज्यादा बेसन यूज करें, और अगर आपको पतली चाहिए तो आप उस हिसाब से वाटर यूज कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा और वाटर डाल दे रही हूँ। तरीका यही है। अब आपको इसे क्या करना है, ढक के रख देना है, और ये अब मैं ढक दे रही हूँ। अब कढ़ी का मतलब ही यही होता है जो कड़ कड़ कर बने, तो इसलिए आपको कम से कम इसे हाफ एन आवर तो काढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो एक घंटा भी रख सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी जब कम हो जाए तो आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको 15 से 20 मिनट से ज्यादा हो गया, तो हम देखेंगे कढ़ी पकी है या नहीं। बीच बीच में भी आप चेक कर लें, और देखिए काफी बॉइलिंग आ रही है इसमें। बार बार चेक करें, घंटे में, हाफ एन आवर में। महक आने लगेगी जब कढ़ी बिल्कुल पक गई होगी। आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा काट सकते हैं। वैसे करीब करीब पक चुकी है ये, क्योंकि हमने ढक्कन ढका हुआ था। जब हम किसी चीज को ढक देते तो अच्छे से बॉईल होके अच्छे से पक जाती है। आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको ज्यादा जल्दी हो और कढ़ी आप पतीले में नहीं बना पा रहे हो तो आप उसे स्टीम भी लगवा सकते हैं। 2 सीटियां लगा के आपकी जो बेसन और जो दही है वो अच्छे से पक जाते हैं, और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अब लगभग ये हो गई है, मैं इसे सर्व कर रही हूँ। एक बाउल में मैं निकाल ले रही हूँ। ये आपकी वेजिटेबल कढ़ी बिल्कुल तैयार है। तो ये थी आज की हमारी कढ़ी की रेसिपी। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।